हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज निफ्टी ओपन हुआ 84.40 पर, ये बहुत ही गैप अप ओपनिंग थी और एक घंटे के अंदर पर निफ्टी ने अपना लो लगाया 83.61 का। लेकिन उसके बाद क्योंकि ग्लोबल मार्केट से बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट थे तो उसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई और निफ्टी ने 8819 का लेवल टच किया और फाइनली निफ्टी ने 8800 से थोड़ा नीचे 8792 पर क्लोजिंग दी। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। कल यानी 8 अप्रैल के लिए अगर हम बात करें तो निफ्टी में ऊपर की तरफ में हम 8950 से 9050 तक के लेवल देख सकते हैं और नीचे की बात करें तो नीचे में 8650 से लेकर 8850 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन हमारा व्यू अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 18455 पर और उसमें भी एक घंटे के अंदर बैंक निफ्टी ने अपना लो लगाया 17954 का। लेकिन उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स की वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट थे और उसकी वजह से पूरे बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई और बैंक निफ्टी ने 19000 का लेवल तोड़ते हुए 19190 तक का हाई लगाया और फाइनली बैंक निफ्टी ने 19048 की क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर कल के लिए बात करें तो कल बैंक निफ्टी में ऊपर में 19500 से लेके 20000 तक के लेवल देख सकते हैं। ये रैली हो सकता है थोड़ी और कंटिन्यू हो, लेकिन जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमेशा आपका व्यू सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए। तो अगर इस लेवल पर आता है तो आपको सेल करना चाहिए। नीचे में हम 18500 से लेकर 18000 तक के टारगेट देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे व्यूअर्स के सवालों की। तो हमारा एक व्यूअर है हेमंत गोयल, उनका सवाल आया पीवीआर पर। चार शेयर है उनके पास 1040 के रेट के और मुझे लगता है ये इन्होंने अपना टाइम पीरियड नहीं बताया कितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने होल्ड किया है, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इन्होंने। तो टेक्निकली स्टॉक पर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1050 को, जो उसने स्टॉक ने 3 अप्रैल को तोड़ दिया और अभी नेक्स्ट सपोर्ट 900 रुपए के आसपास का है। तो अगर ये तोड़ता है तो स्टॉक में और वीकनेस देखी जा सकती है। तो हमारा सजेशन ये रहेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है तो जब भी कोई उछाल मिले तो आपको स्टॉक में से निकल जाए और अपना प्रॉफिट बुक करें। इसके साथ साथ अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हमें अपना पीरियड जरूर लिखें कितने पीरियड के लिए आपको होल्ड करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। ये जरूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब अगले एपिसोड में देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें।